नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। हमें प्रिंस कुमार मिठू। इस वक्त हम मधेपुरा जिला के उदा किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय के 83 गांव में मौजूद हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि परसों एक घटना घटी थी जिसमें ग्रामीण द्वारा बताया गया कि काफ़ी गोलीबारी हुई इस गांव में। अब गोलीबारी तो अब तो हुई नहीं, जो गोलीबारी परसों हुई थी अब फिलहाल मामला शांत है, लेकिन ग्रामीण अब भी दहशत के माहौल में जी रहे हैं। लेकिन स्थानीय पुलिस लगातार इस गांव में अपनी गश्ती गाड़ी भेज रहे हैं ताकि लोग दहशत में न जिए। आइए इसी क्रम में हम यहां के ग्रामीण से बात करते हैं कि आखिर इस गांव में क्या हुआ, अब ये यहां के गांव के लोग कैसे जीवन जी रहे हैं। सबसे पहले मैं बाबा से बात करता हूं। बाबा की नाम भले? हमारा नाम बूचो चौधरी। की भले रे गाँव में? गाँव में भले कल के जाओ मछली ले मार के ले आओ, मछली मार के नहीं गया, बस एक जगह के बाद में वो टिच गए होने लगा, मतलब गोली चलने लगा। तो हमें सब लोग कहे कि बापन साइड भेजो। कितने आदमी रे गोली चलने वाला? सब सात आठ गोले। यह इतना गोली चले? हाँ देखे नहीं थे सर, मतलब दीवाल में लग ले। हाँ बाबा, पुलिस आयल थे मौका पर? पुलिस अले 2 घंटा के बाद। कल के जाओ उधर देखोगे पुलिस। रात को जाएंगे वहाँ पुलिस से हमें रोटे पर पुलिस घुस फिर बदमाश मार खाएंगे। ये नहीं गया उधर पुलिस। अच्छा पुलिस आवे छे अब सुरक्षा में आवे छे पुलिस? ना 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 को बार कुमेल पुलिस आते नहीं सर, आते नहीं। के और भी लोग हैं, महिला हैं यहाँ पे दहशत में काफी जी रहे हैं। की नाम भले चाची? हमर सुनिया देवी। की भले रे गांव में? भले गांव में जाय जाय तास करे रे जी, तास करे ले तो तेरे रविंद्र कल के की से चलो मछली मारने के लिए। मछली मार के नामेगा ते हम मछली के दाब चलेगा, मछली दारू चलेगा ते कल के हम दूसरा पोखर में नहीं जाएगी, बस वही पर कल के नहीं जाएगा, तुमको जाना पड़ेगा। कल के हम नहीं दूसरा पोखर में नहीं जाएगा, तुमको पकड़ेगा तो वहां मार पीटेगा, तब बस वही पर बस गोली कथा चलने लगा। यही चलने लगा तो सबका लोग अति भाग ले, भला के बाद में पुलिस कर गए, पुलिस हो गए यहाँ पर, पुलिस हो गए यहाँ से वहाँ पर गए, वहाँ से यहाँ पर अलग भागो महिला सबका अपना अपना घर जाइए सुतने के लिए। सबका डोर से भाग गए घर, वो पुलिस यहाँ से घूर के वहाँ जाए, वहाँ से घूर के वहाँ जाए, कहिए रुके बारी में अले रहे मौका पर। हाँ हम के सूचना दिले रही पुलिस अले अले साथ साथ, लेकिन कुछ न कर। अब थाना में आवेदन यहाँ ग्रामीण सब दिले देना चाहिए, लेकिन हम कल खुना मरद गए ना बुढ़ा ओकरा घेरे रहे सबटा केना केना चढ़ा के भाग लै है रघु से रघु। अच्छी घटना क्या बजे के भेले रे? 11:30 बजे रात के। यहाँ ताश खेले रे सर? हाँ यहाँ ताश खेले रे सब रोड पर ही बैठ के। हाँ अपना गाँव वालों अपना ग्रामीण खेले रहे सब अले वो। हाँ वहाँ से आये रहे बुलेटवा के जी गबरा, गबरा दोनों भाई गबरा विजैया अनुजबा सब सब। हाँ यहाँ जाए गोली चले लगे सबटा लोग जाए। और अच्छा आब फिर आबै छै उसब? आबै छै रात के आबै छै। की कहै छै? आबै छै कहै छै कि तब तुम लोग नाम के उतार अथी करो नहीं तो तुम लोग के गोली मार देंगे, कहे रास्ता पर चलने के लायक नहीं रखेंगे। मतलब केस उठवा धमकी आप? हाँ जैसा मुर्गी के मारता है वैसे तुमको लोग हलाल करेंगे, वैसे घर घर के मारेंगे तुमको मुर्गी के से कहे छे सबटा जा देबे। नहीं करिए कहे ले कहे छे सुन भेल ला रहल छे थाना ला सुनबा नहीं ला रहल छे एकदम ने वो घुस दे छे ओकरा घुस में रहे छे यहाँ सुनबा नहीं ला रहल छे थाना वाला सरपट ने कपड़ ने बताने का ढंग आ जा सब लोग सब लोग मतलब अपना अपना साइज में रह जाए रात को आबे छी। आप पुलिस से की मांग छे? मांग छे कि हमरा के अभी जाते कि नहीं कि कहे जेबे कन्हा जेबे बजारो जेबे घेरते कहा जेबे घेरते मेला छिके मेला जेबे तो कैसे धमकी दे छे कि हम सब के मार के बर्बाद करेंगे, हम मुर्गी पर मारेंगे सब तियर के तरपा तरपा के मारेंगे, देखेंगे कौन पुलिस वाला तुमको की करेगा। बुलेट का से कहे छे हथियार लेके घूरे छे हमरा कहते बुढ़ा के घेर लेकर मारे के लिए बाजार में, तो बाजार में जेबे केना दाल तरकारी एतै केना जीबे गे ने 83 किलो खजी अब ला 83 लोग के की सब भेलै रे मतलब कब भेलै रे
घटना भेल रहे 11 बजे राति साढ़े एगारह बजे वहाँ मछली खदान के मार के ला हमको बना के दोसरा के खदा है नहीं थे गरैया हाँ उसको बना के ला हम दारू पियेंगे मछली खाएंगे बस वहाँ पर कल के नहीं हम नहीं जाएंगे हमको जो खदा वाला पकड़ेगा इसलिए बस गोली चलन लगल कभी इन्ने उन्ने कभी ऊपर मारे कभी सब जैसे भागल आ अच्छा अब केस धमकी उठाबे अब की बनल जाए छे मोट प्रशासन से कोनो मांग होते यहाँ सबके अब गिरफ्तारी के लिए पुलिस पदाधिकारी से कोनो मांग अभी तक कोनो मांग नहीं सुना अभी मतलब कोई नहीं सुने कोई नहीं सुने ग्रामीण काफी दहशत में अपनी जिंदगी जी रहे हैं और लेकिन अब तक पुलिस के हाथ पुलिस हल्की मामले पर FIR तो दर्ज करने की बात ग्रामीण द्वारा बताया जा रहा है लेकिन अब तक पुलिस उनके जो गोलीकांड हुई थी जो जिनके द्वारा गोली चलाया गया था उनके पास अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए थे। अब मामला 3 दिन बीतने को चला है लेकिन अब तक पुलिस किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। आखिरी शब्द बात करें बाबा गोली चला था यहाँ पे गोली तो चला था कितना बजे रात में चला था 11 बजे झूठ नहीं बोले मतलब गोली चल रहा है तब थाना में आवेदन है यहाँ सब दले अब डरो लगे रहे बाल बच्चा के गोली से उठा दे रात बिरात का मुर्गी पर तरपा मार दे बाल बच्चा को मार दे लोग काफी दहशत में जी रहे हैं लेकिन वरीय पुलिस अधिकारी को होना चाहिए कि इस मामले को लेकर अपने संज्ञान में लेकर जल्द जांच पड़ताल कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। देखते रहिए रिपब्लिकन टाइम्स धन्यवाद। ये सब गलत बात है ठीक ना। यहाँ पर शराब बनाता है बेचता है और पिलाता है बाहर से लड़का आता है और शोर सलावा करता। हम इसका विरोध करते हैं। हम एक्साइज विभाग को भी फोन किए मधेपुरा कि यहाँ पर शराब बनाता है बेचता है और तब पर भी वहाँ पर एक्साइज विभाग नहीं आया। हम अपने से कहने के लिए गए तो इसके बाद वो लोग हम पर फर्जी मुकदमा किया और मेरे परिवार को भी फंसाने का कोशिश किया। जो देखिए यही साक्ष्य है मेरे पास में। मतलब आपके भाई को भी फंसाया? हाँ, परिवार को भी फंसाया, मेरा दोस्त को भी फंसाया। और गोली इन चलने का कोई बात नहीं, हम एक समाज सेवी हैं ठीक ना। हम इसका विरोध करेंगे, शराब का 24 घंटा विरोध करेंगे। इसके लिए जितना मेरे पास में यहाँ मुकदमा हो जाए केस दर्ज हो जाए हम इसका नहीं डरेंगे और पूरा विरोध करेंगे, पुरजोर से विरोध करेंगे। और प्रशासन से मांग करते हैं 7 बजे शाम से लेकर के 83 में और 11 बजे रात में आए, 11 बजे रात तक रोड पे सब दारू पी करके नौटंकी करता और मशीन लेकर के आए। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। पिता? चितनारायण यादव।